हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना स्टार्ट करेंगे वीडियो लेक्चर क्लास 7 का। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। क्या है? फॉरेस्ट। तो मैं वही बोलूँगा, जब वीडियो में बनाऊँ तो आप उसका नोट्स को बनाना, वीडियो को पॉज करके आपको समझ में आएगा। समझ में चीज़ का नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो अब बिना टाइम का वेस्ट किए हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हम लोग को जी? फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट का डिफिनीशन क्या है हिंदी में सब बोलते हो, क्या होता है वो? जंगल। जंगल तो फॉरेस्ट का डिफिनीशन बहुत है, बट आप क्या जान लो कि रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स इज फॉरेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट बोलेंगे। वैसा रीजन जिसमें ट्रीज हो, प्लांट हो, श्रब्स हो, हर्ब्स हो, क्रीपर्स हो, क्लाइंबर्स हो, वो क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। इसके अंदर बड़ा बड़ा ट्री होगा, उससे छोटा प्लांट होगा, फिर श्रब्स होगा, ग्रासेस होगा, हर्ब्स होगा, क्रीपर होगा, क्लाइंबर होगा, वो सब क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फॉरेस्ट के अंदर आप क्या देखोगे कि एक क्या होगा? बड़ा ट्री होगा, उसके बाद क्या होगा? छोटा ट्री होगा, फिर क्या होगा? उससे छोटा ट्री होगा। दिख रहा है ना? उससे छोटा ट्री होगा। ठीक है, तो एक चीज देखो यहां पे, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री एवव ट्रंक। ट्री का क्या होता है? ट्रंक भी होता है, आपने पढ़ा होगा। ट्रंक को हम लोग क्या बोलते हैं? इज क्राउन ऑफ ट्री। वैसा पार्ट ट्री का, ब्रांची पार्ट ट्री का जो स्टेम के, ट्रंक के ऊपर होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्राउन ऑफ ट्री बोलेंगे। और ये क्राउन क्या होता है? डिफर करता है, डिफर इन, ये क्या होगा? डिफर होगा आपका शेप एंड साइज में। अलग अलग शेप साइज के लिए अलग अलग क्राउन होगा। मतलब जो ट्री बड़ा है, जो बिग ट्री है, उसका क्या होगा? क्राउन भी क्या होगा? बिग होगा। जो स्मॉल ट्री है, उसका भी क्या होगा? क्राउन क्या होगा? स्मॉल होगा। सिंपल सा बात है ये। ठीक है, बड़ा ट्री है तो क्राउन क्या होगा? बड़ा होगा। छोटा ट्री है तो क्राउन क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्राउन का बात। अब मैंने आपको क्या दिखाया कि एक फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा? सब ट्री का शेप साइज सेम नहीं होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो ये ट्री के लिए, स्मॉलेस्ट ये है, बिगेस्ट ये है, ये ट्री के लिए ये कौन काम करेगा? रूफ जैसा काम करेगा, छत जैसा। और इसके लिए ये काम करेगा किसके जैसा? रूफ जैसा। ठीक है, तो उसी रूफ ऑफ ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? कैनोपी बोलेंगे। जंगल में इसका नाम क्या है? कैनोपी है। ठीक है, इस तरह का क्या होगा? बहुत सारा कैनोपी होगा। ठीक है, इसके लिए ये क्या करेगा? और बिगर रूफ काम करेगा, और बिगर रूफ की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो इस सबको पूरा क्या बोलेंगे? कैनोपी बोलेंगे। और कैनोपी क्या होता है? डेंस होता है। मतलब ये आपका डेंस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पे? रेन फॉरेस्ट में आपको कैनोपी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो क्या होता है? पूरा घना होगा। और ये इतना घना होता है, इतना घना होता है कि आपका इवन जो सनलाइट है ना, वो भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो उसको पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे दिन में भी क्या लगेगा? अंधेरा लगेगा, रात रात का टाइप लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और जान लो, अंडर स्टोरी किसे बोलते हैं? सर आपकी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा फॉरेस्ट का बता रहा हूँ, टर्म्स क्या क्या यूज होने वाले होते हैं फॉरेस्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे उसके अंदर में, और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंडर स्टोरी किसको बोलते हैं? जो वेजिटेशन कैनोपी के अंदर ग्रो करेगा, ये बड़ा बड़ा कैनोपी है, जो भी थोड़ी ट्री होगा, यहाँ पे क्या होगा? ग्रास भी होगा। ठीक है, तो जो भी वेजिटेशन ग्रो करेगा कैनोपी के अंदर, वेजिटेशन डैट ग्रो अंडर कैनोपी इज अंडर स्टोरी। इसको क्या बोलेंगे? अंडर स्टोरी बोलेंगे।
तो अंडर स्टोर ये हो जाएगा। अब देखो कैनोपी का क्या है, बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लेयर है। अरे कोई जंगल में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, नीचे क्या होगा, सब आपको लेयर वाइज वो होता है। तो इसका बहुत सारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर, आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो बहुत सारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर। तो कौन कौन लेयर है, सबसे ऊपर से बात करते हैं। सबसे ऊपर क्या होगा, जायंट ट्री बोलो या बिग ट्री बोलो, या इसको बिग ट्री बोलो, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा, स्मॉल ट्री होगा। उसके नीचे क्या होगा, श्रब्स होगा। फिर क्या होगा, हर्ब्स होगा। और ये हर्ब्स होता है कहाँ पे, फॉरेस्ट के फ्लोर पे, सबसे नीचे होगा आपका हर्ब्स। फॉरेस्ट फ्लोर पे क्या होगा, हर्ब्स होगा। और फॉरेस्ट फ्लोर पे क्या क्या, ट्विग्स भी पाए जाएंगे आपको, लीव्स भी होंगे, ठीक है। फ्रूट जो गिरेंगे टूट के वो भी क्या होंगे, आपको यहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका लेयर वाइज हो गया। मतलब जंगल है, सबसे ऊपर क्या है, जायंट ट्री, बड़ा ट्री। उसके नीचे क्या है, स्मॉल ट्री। उसके नीचे क्या है, श्रब्स। उसके नीचे क्या है, हर्ब्स। और वो एक फॉरेस्ट के फ्लोर जैसा काम कर रहा है। और फॉरेस्ट फ्लोर पे ट्विग्स भी होगा, लीव्स भी होगा, डेड एंड डिकेइंग फ्रूट, जो फ्रूट सड़ जाता है वो भी होगा, ठीक है। तो ये सारा कहानी हो गया। सर आप बता दो क्रीप्स और क्लाइंबर्स क्या है। तो क्रीपर्स क्लाइंबर्स क्या है, क्लाइंबर्स वो होते हैं कौन होते हैं जी, जिनको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए इस टाइप के होंगे। मतलब वो वर्टिकल ग्रो करेंगे, ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, ठीक है। कुछ भी सपोर्ट में क्या, आपका वुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रीपर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, वर्टिकली ग्रो नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ वो क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। वर्टिकली ग्रोथ इनमें नहीं होगा, ये वर्टिकली ग्रोथ नहीं करेंगे। तो कैसे ग्रो करेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर ही तैरेंगे, उसको तैरना नहीं बोलो, उसको बोलोगे कि स्विंग टाइप का, ग्राउंड के ऊपर ही वो जाएगा, रेंगना बोलो उसको, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा ये, कौन, क्रीपर्स। तो ये सारा बात हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट कर। अब देखो फॉरेस्ट में कौन रहेगा, वो डिपेंड करेगा उसके एडप्टेशन पे, ठीक है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ठीक है। जो वेजिटेशन फॉरेस्ट में ग्रो करेगा, रहेगा, प्लांट हो, एनिमल हो, वो डिपेंड रहेगा किस पे, फॉरेस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, फॉरेस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड करेगा। मान लो पोलर बियर है, उसको आप ला सकते हो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट में, इंडिया के, नो सर, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही ठंड रीजन में रहने का उसका एडप्टेशन है, ठीक है, तो वो वहाँ फॉरेस्ट में नहीं रह सकता है। यहाँ का किसी लॉयन को उठा कर ले जाकर रखो वहाँ पे अंटार्कटिका में, जहाँ पोलर बियर रहता है, वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका एडप्टेशन क्या है, हॉट और मॉडरेट क्लाइमेट में, उतना क्लाइमेटिक कंडीशन उसका क्या है, ठंडा उतना नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कैसा वहाँ पे कोई रहने वाला है। तो फॉरेस्ट में क्या होगा, डिपेंड, जो फॉरेस्ट का वेजिटेशन है, मतलब वेजिटेशन मतलब क्या होता है जी, प्लांट भी एनिमल भी, ठीक है, वो जनरली क्या हम लोग उसको प्लांट का ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, जितना प्लांट का वेजिटेशन है वो, और एनिमल का अलग रखो, इसको एक साथ मत रखना दिमाग में। वेजिटेशन मतलब प्लांट एनिमल सब होगा, और एनिमल का अलग, इंसेक्ट का अलग, वो अलग होगा, दो तरह का, ठीक है। तो फॉरेस्ट के अंदर जो भी वेजिटेशन ग्रो करता है, जो भी एनिमल रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ये बात क्लियर, ठीक है। तो हम लोग पूरा जान गए, फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल ही नहीं, इंसेक्ट भी रहेगा, उसके बाद एनिमल में कौन कौन रहेगा, मंकी रहेगा, एलिफेंट रहेगा, सब आपको पता है, टाइगर रहेगा, ठीक है। तो जान गए फॉरेस्ट का पूरा, हमने क्या जान लिया, ओवर व्यू जान लिया, क्या जान लिया, इसका ओवर व्यू जान लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे फॉरेस्ट का वेल्थ, मतलब फॉरेस्ट का संपत्ति। फॉरेस्ट हमारे लिए क्या यूज, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, यूज भी बोल सकते हैं, क्या क्या फॉरेस्ट यूजफुल कैसे हमारे लिए है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्या होगा, प्रिवेंट फ्लड एंड मेंटेन वाटर टेबल। देखो कोई टेंशन नहीं लेना है, फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है फ्लड को और मेंटेन करता है वाटर टेबल को। तो फ्लड, पहले आया फ्लड मतलब बाढ़, कहीं पानी जमा हो जाए बहुत ज़्यादा, उसको बोलेंगे वहाँ बाढ़ आ गया, सिंपल सा बात है।
तो फॉरेस्ट में क्या होगा, बहुत सारा ट्री होगा, तो बारिश जब होगा तो ट्री क्या होगा, पानी को डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरने नहीं देगा, वहाँ पे बारिश पत्ते उस पत्तों पत्तों के थ्रू क्या होगा, बारिश नीचे गिरेगा, पानी का बूंद नीचे गिरेगा, तो वो कहीं पे ग्राउंड पे कलेक्ट क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा, कलेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है, ग्राउंड पे कलेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे वो जमेगा नहीं, वहाँ पे स्टैगनेंट होगा नहीं। और वही हम लोग जिधर रहा रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं जी, फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, हम लोग रहते हैं ओपन ग्राउंड में, तो वहाँ पे कोई ट्री वैसा नहीं है, तो क्या होगा, वो बारिश जब होगा तो पूरा वहाँ का ग्राउंड क्या होगा, लबालब पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट जितना ज़्यादा फॉरेस्ट डेंस घना, उतना ज़्यादा ट्री, उतना ज़्यादा फ्लड कंडीशन को प्रोवाइड को बचाएगा, ठीक है, ये हो गया बात। अब वाटर टेबल, जो बारिश का पानी फॉरेस्ट के ग्राउंड पे गया वो क्या होगा, सीप हो जाएगा, सीप इनटू द सोइल, वो क्या चला जाएगा, सोइल के अंदर चला जाएगा। और वाटर टेबल देखोगे क्या कि हमारा वाटर जो पानी के अंदर, सोइल के अंदर का पानी का लेवल है, मतलब लेवल ऑफ वाटर जो है पानी के अंदर का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ घटता जा रहा है। आप जब अंडरग्राउंड डीप करोगे, ठीक है, कब करते हैं, जब बोरिंग करते हैं, तो होता नहीं है हैंडपम्प जो लगाया जाता है, तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा गड्ढा करने 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 कब तक करते जाएंगे, जहाँ तक पानी नहीं मिलेगा, पानी जहाँ मिल जाएगा आप स्टॉप हो जाओगे। अब क्या हुआ, उसका लेवल बहुत नीचे चला गया। तो फॉरेस्ट कैसे हेल्प किया वाटर को मेंटेन करने में, जो पानी आया वो डायरेक्ट सॉइल के अंदर चला गया, ठीक है, लिप्स के होते हुए, फॉरेस्ट के जो प्लांट है उनके लिप्स के होते हुए, और क्या हुआ, सॉइल के अंदर चला गया, तो क्या होगा, वाटर टेबल धीरे धीरे ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा और मेंटेन कर देगा वाटर टेबल को। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, प्रिवेंट सॉयल इरोजन। फॉरेस्ट क्या करता है, सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तब पहले जान लो कि सॉयल इरोजन क्या होता है। तब तो सॉयल इरोजन क्या होता है, जो मिट्टी होता है, द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे या फ्लोइंग अवे ऑफ द सॉयल बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, सॉयल इरोजन। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, फिर से समझाओ, ठीक है, सुनो, मिट्टी है उसको क्या करेंगे, वहाँ से बहा के कौन ले जाएगा, पानी बाहर आएगा तो मिट्टी को अपने साथ साथ देखते हुए ले जाता है, ठीक है, मिट्टी को काटना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल का इरोड हो जाना, सॉइल का इरोजन हो जाना। हवा तेज चलेगा तो भी क्या होगा, मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा वो, तो विंड वाटर की वजह से क्या होता है, मिट्टी अपने जगह से दूर चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन बोलेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट कैसे प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन, सोचो, फॉरेस्ट है तो आपको पता है ना, ट्री का जो रूट है, रूट ऑफ ट्री बाइंड्स द सॉइल, वो क्या करता है, सॉइल को बांध के रखता है, उसको बांध के रखा मतलब क्या, वो क्या होगा, विंड और एयर से नहीं जाने वाला, फ्लो नहीं होगा सॉइल। तो जितना ज़्यादा अच्छा बात है ये, क्योंकि ट्री है तो रूट है उसका, और रूट है तो उसको सॉइल को बांध के रखा है, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट उतना ज़्यादा ट्री और उतना ज़्यादा सॉइल क्या है, बाइंडेड है, बाइंडेड फॉर्म में है, और उसको विंड और एयर अपने साथ, विंड बोलो एयर बोलो, यहाँ पे साथ में वाटर भी बोल दो, ठीक है, वो अपने साथ नहीं ले आ पाएगा, विंड एयर सेम है, विंड एयर आपका क्या है, सेम फैक्टर है, अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, बांध के रखेगा तो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट उससे क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट उतना ज़्यादा ट्री उतना ज़्यादा सॉइल क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है, बाइंड मतलब बांधना होता है जी, पकड़ के रखना होता है जी, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, बाइंड होगा और आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेगा। तीसरा, सप्लाई ऑक्सीजन, और चौथा, एब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसका फॉर्मूला O2। देखो फॉरेस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो कैसे सर, तो फॉरेस्ट में क्या है, प्लांट है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होगा, जब प्लांट अपना भोजन खुद बनाएगा, तब क्या होगा, ऑक्सीजन को क्या करता है, प्लांट क्या करता है, रिलीज ऑक्सीजन, रिलीज ऑक्सीजन टू एटमोसफेयर, प्लांट क्या करेगा, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और इसी दौरान क्या करता है, प्लांट क्या कर लेगा, एब्जर्व कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर, ठीक है,
और आपको तो पता होगा ऑक्सीजन क्या है, हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगा तो हम लोग का डेथ हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पॉइजनस गैस है, हार्मफुल गैस है जो हमारे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करता है। तो सोचो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा क्या होगा आपके लिए अच्छा है, और जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड उतना भी क्या आपके लिए अच्छा है। तो ये काम कौन कर रहा है, फॉरेस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जब वो अपना खुद का खाना बनाता है, मेकिंग ऑन फूड, मेक ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा और बना देगा अपना खाना, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है इसका, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देख लो CO2 प्लस H2O विल गिव टू C6H12O6 प्लस O2, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या होता है सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है पता है ना जी, ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स, ठीक है, ये क्या हो गया बनाता है। तो ये क्या फॉरेस्ट का काम है, पांचवा फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेनफॉल एंड कूल्स द एयर, देखो फॉरेस्ट क्या करेगा, रेनफॉल लाएगा, रेनफॉल लाएगा कैसे लाएगा जी, तो इसके बारे में जान लो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, पांचवा नंबर के बारे में एक्सप्लेन यहाँ कर रहा हूँ। प्लांट क्या किया, रूट क्या करता है, सॉइल से पानी को ऑब्जर्व करेगा, वाटर को, बोलो कैसे सर, तो सॉइल के अंदर ही ना वाटर होता है जी, मैंने क्या बताया वाटर टेबल में आपको, सॉइल के अंदर पानी होता है, तो क्या करेगा रूट पानी को ऑब्जर्व करेगा सॉइल से, और यहाँ लिख दो पहले क्या, रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल एंड रूट ऑफ प्लांट एंड लॉस वाटर टू द एटमोसफेयर थ्रू ट्रांसपीरेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं लिख रहा हूँ, रूट ऑफ प्लांट क्या किया, ऑब्जर्व किया पानी को सॉइल से और उस पानी को लॉस कर दिया एटमॉस्फेयर में थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पानी को लॉस करना मतलब क्या, वाटर वेपर के फॉर्म में ये लॉस किया, किसके फॉर्म में लॉस किया, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस किया, अब वो चला गया ऊपर एटमॉस्फेयर में, आपको पता है ना वाटर वेपर ऊपर जाके क्या बनता है, क्लाउड का फॉर्मेशन बना देगा, क्या करेगा ये क्लाउड बना देगा, और क्लाउड से क्या आएगा आपका रेनफॉल आएगा, ये बात आपको पता है। तो ये कैसे हुआ, फॉरेस्ट के वजह से हुआ, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट उतना ज़्यादा ट्री, उतना ज़्यादा क्या करेगा वो सॉइल से पानी को ऑब्जर्व करेगा और एटमोसफेयर में छोड़ेगा, लॉस करेगा बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और उतना ज़्यादा क्लाउड बनेगा और रेनफॉल आएगा, ठीक है। तो सर बता दो कि कैसे वो कूल किया एयर को, तो ये वाटर वेपर क्या करता है, ये एयर को भी कूल करता है, कूल द एयर, एयर को भी क्या करेगा ये ठंडा कर देगा, वाटर वेपर क्या करेगा एयर को भी कूल कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा ह्यूज फॉरेस्ट का। छठा, छठा मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ, या हम लोग को भी, देखो शेल्टर किसके लिए होगा जी, वाइल्ड लाइफ के लिए क्या होगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा ना। फॉरेस्ट में मैंने क्या बताया, बहुत तरह का वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट, तो जैसे सपोज कर लो फॉरेस्ट में क्या रहते हैं, मंकी रहेगा, एप रहेगा, एलिफेंट रहेगा, इंसेक्ट्स रहेंगे, बर्ड्स अपना नेस्ट क्या बनाते हैं, ट्री पे बनाते हैं, तो क्या होगा फॉरेस्ट में ही ट्री है, तो क्या करता है फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है शेल्टर, मंकी कहाँ रहेगा ट्री पे रहेगा। और फूड, आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स से फूड बनते हैं, ठीक है, तो सब क्या करता है ये फूड भी प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ठीक है। अनाज कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है ना, तो वो फॉरेस्ट में नहीं, उसको हम लोग अपने खेत में लगाते हैं, तो फॉरेस्ट का फूड का बात करेंगे तो क्या बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं हर्ब्स, हर्ब्स के हेल्प से क्या बनते हैं,
जो दवा होते हैं आयुर्वेदिक दवा होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट से जाके खोज के लाए जाते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो फॉरेस्ट क्या कर रहा है, शेल्टर और फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है बात क्या आपका, एक और लास्ट पॉइंट क्या होगा आपका, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखो फाइव यहाँ है और सिक्स यहाँ है, सिक्स आपका कहाँ, यहाँ है, ठीक है। सेवन जान लो यहाँ पे क्या, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बोलोगे कैसे सर, तो वुड के पल्प से, वुड पल्प से हम लोग क्या बनाते हैं बाबू, पेपर बनाते हैं, ठीक है। लैटेक्स से हम लोग क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से मिल रहा है, ट्री से ही मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है, रेजिन्स मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है, गम मिल रहा है, GUM वाला गम है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ कहाँ से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं जो आपको फॉरेस्ट के ट्री से मिल रहे हैं। तो ये सारा क्या हो गया आपका, फॉरेस्ट का यूज हो गया। पहला प्रिवेंट फ्लड एंड मेंटेन वाटर टेबल, दूसरा प्रिवेंट सॉयल इरोजन, तीसरा सप्लाई ऑक्सीजन, चौथा ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा फॉरेस्ट बींग रेनफॉल एंड कूल्स द एयर। मैंने आपको सर एक्सप्लेन भी किया है, पांचवा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट का प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फूड ऑल्सो, और लास्ट फॉरेस्ट का हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट करो, फॉरेस्ट का हम लोग प्रोडक्ट यूज कर लिए, प्लांट का हम लोग प्रोडक्ट यूज कर लिए, मतलब हम लोग प्लांट पे डिपेंड कर गए, ठीक है। बट क्या प्लांट हम पे डिपेंड करेगा, प्लांट एनिमल पे डिपेंड करेगा, तो क्या लिखेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। प्लांट एनिमल पे कैसे डिपेंड करता है, तो कैसे करेगा सर, तो पहला क्या करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, पॉलिनेशन। और ये किसका, फ्लावर का। जो फ्लावर का पॉलिनेशन होगा वो एनिमल के द्वारा होगा, ठीक है। एनिमल मतलब क्या, एनिमल वैसा नहीं भालू बंदर नहीं वो देखो बटरफ्लाई, ठीक है, हनी बी, ह्यूमिंग बर्ड, उसके बाद मौत, मौत नहीं है, मौत नहीं है, मौत है MOTH, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लावर को पॉलिनेट करने में ये सब क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक और है बैट, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर का विदाउट पॉलिनेट क्या होगा, विदाउट पॉलिनेशन फ्लावर कांट प्रोड्यूस सीड्स। बिना पॉलिनेशन के फ्लावर सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एंड डजंट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे बिना इसके, ठीक है। उनको जरूरी है पॉलिनेशन करना, और वो कौन करेगा, ये सब करेगा, बटरफ्लाई, हनी बी, हमिंग बी, मौत पॉइंट। तो क्या दिख रहा है ना, प्लांट क्या, फ्लावर किसका पार्ट है जी, फ्लावर किसका पार्ट है, फ्लावर है। बोलेगा सर फ्लावर ना हो रहा, प्लांट नहीं हो रहा ना, फ्लावर क्या है जी, पार्ट ऑफ प्लांट है। वो किस पे डिपेंड किया, ये सारे एनिमल पे या इंसेक्ट जो बोलो उस पे डिपेंड किया। तो ये हो गया पहला। दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स का मूवमेंट होना, सीड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो कैसे जाएगा वो समझो। सीड का क्या होता है, सीड्स हैव हेयर्स या स्पाइन होता है, ठीक है। सीड का क्या होता है, हेयर होगा या स्पाइन होगा, और वो क्या होगा, जब एनिमल के कांटेक्ट में आएगा दे, ये सीड से क्या होगा, ये क्या करेगा, स्टक टू द स्किन ऑफ एनिमल। ये क्या करेगा, एनिमल के स्किन में क्या होगा, चिपक जाएगा, और एनिमल एंड कैरिड टू वन प्लेस टू अनदर बाई एनिमल्स, ठीक है। और वो एनिमल के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलेंगे। सीड का हेयर होता है, एक स्पाइन होता है, एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने पर वो चिपक जाएगा, एनिमल जगह जहाँ जाएगा
वहाँ वहाँ सीट जाएगा और क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ सीट हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, एनिमल के ही द्वारा क्या हो रहा है, सीट का डिस्पर्सल हो रहा है, तो क्या होगा, डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट ऑन एनिमल हो गया। तीसरा एनिमल्स एक्सक्रीटा बोलो, मतलब उसका पॉटी बोलो, उसका वेस्ट बोलो, या उसका डेड बॉडी बोलो, डेड बॉडी ठीक है, ये क्या करेगा, एक्ट एज अ मैन्योर, वो खाद की तरह काम करेगा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल एंड प्लांट गेट मिनरल फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम सॉइल। मैंने क्या लिखा, तीसरा एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, डेड बॉडी है, वो एक मैन्यूर की तरह काम करेगा और वो प्रोवाइड करेगा क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा किसको, सॉइल को, और प्लांट गेट करेगा मिनरल अपने ग्रोथ के लिए सॉइल से। मतलब जो एनिमल का पॉटी हुआ, एनिमल मर गया, तो वो क्या होगा, डिकम्पोजर क्या करेगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, डिकम्पोजर क्या करेगा, उस पर एक्ट करेगा, उसका न्यूट्रिएंट को डाल देगा सॉइल में, ठीक है, और सॉइल में न्यूट्रिएंट से क्या करेगा, प्लांट को मिनरल मिलेगा, उस न्यूट्रिएंट से क्या करेगा, प्लांट को मिनरल मिलेगा अपने ग्रोथ के लिए। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स हो गया, ठीक है, कैसे कैसे डिपेंड किया प्लांट और एनिमल पे, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट। हम लोग जानेंगे अब कि ये बायोटिक कंपोनेंट आपका, बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं, पूरा जितना भी आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जो नेचर बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट का कैसे डिवीजन है उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रोड्यूसर, या इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब क्या हो गया, सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब क्या हो गया, फूड, जो खुद का फूड खुद से बनाया, जो अपना फूड खुद से बनाया, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे या उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लांट्स, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लांट्स। प्लांट्स क्या होगा, ऑटोट्रॉप, वो अपना फूड खुद से बनाता है, ठीक है, कैसे बनाता है, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस से बनाएगा। मैंने आपको बताया था ना उस समय रिएक्शन मैंने लिखा था फोटोसिंथेसिस का, इस प्रोसेस से क्या करता है, वो अपना फूड को खुद से बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा होता है क्या, कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर क्या करेगा, डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर पे या प्लांट्स पे ऑन फूड, ये फूड के लिए डिपेंड करेगा किस पे, प्रोड्यूसर पे या प्लांट्स पे, ठीक है। कंज्यूमर का दो तरह होता है, दो टाइप का कंज्यूमर होता है, एक होता है क्या, एक होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्लांट्स पे, फूड पे। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्लांट्स पे, फूड पे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन प्लांट्स, जैसे कि कार्निवोर्स, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्लांट्स पे, फूड पे, जैसे हेटरोट्रॉप हो गया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, काओ, बफेलो, गोट, कुछ भी। और इसमें तो पता है आपको, जितना भी खूंखार जानवर का नाम हो गया, टाइगर, लॉयन, कुछ भी, ये इनडायरेक्टली डिपेंड करना मतलब क्या हो गया, अगर किसी फील्ड में ग्रास नहीं है, प्लांट नहीं है, तो वहाँ पे हार्वीवोर तो आएगा नहीं, ठीक है। इसको हेटरोट्रॉप्स ही बोल सकते हो, या इसको हम लोग हार्वीवोर भी बोलते हैं, इसको हम लोग हार्वीवोर्स भी बोलते हैं, जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड हो,
ठीक है, तो वो लोग अगर कहीं पे प्लांट नहीं है, कहीं पे ग्रीन ग्रास नहीं है, तो वहाँ पे तो हार्वी बोर आएगा नहीं कि आओ हमको कार्नी बोर खा जाओ। तो हार्वी बोर क्या प्लांट के होने के वजह से, प्लांट के होने के वजह से हार्वी बोर उस प्लेस पे आता है और कार्नी बोर उसको खाता है, और इसलिए कह सकते हैं क्या कार्नी बोर इंडायरेक्टली क्या है डिपेंड कर रहा है प्लांट पे। ठीक है, ये हो गया बात प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर का। ठीक है, एक चीज आता है आपका, इसके बाद आपको जानना है क्या ओमनीवोर्स, ये सबको पता होगा, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों चीज खाएगा जो, उसको क्या बोलेंगे ओमनीवोर्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल ह्यूमन, हम लोग खाते हैं बियर, ये सब क्या है ओमनीवोर्स। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है आपको क्या स्कैवेंजर्स के बारे में। ठीक है, स्कैवेंजर्स क्या है कि ये डेड बॉडी एनिमल का खाएगा, ठीक है, और ये क्या करता है इट डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड डिस्पोज देम ऑफ, मतलब उसको सफा चट कर जाएगा, एंड डज मेक एक्सक्यूज मी इन्वायरमेंट क्लीन। ठीक है, मैंने क्या लिखा स्कैवेंजर के बारे में, ये डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स को खाएगा और उसको डिस्पोज भी कर देगा, मतलब जैसे कि क्रो अगर खाता है तो वो रेयर केस में ही कहीं भी वो उसको गिराएगा, अंदर पूरा सब सेट कर जाता है। ठीक है, और वो उसको डिस्पोज कर देता है, इस तरह क्या होता है वो एनवायरमेंट को क्लीन बनाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा क्रो, क्रो वल्चर्स, क्रो वल्चर्स हाइना भी बोल सकते हो, क्रो वल्चर्स, उसके बाद हाइना। ठीक है, ये सब क्या है स्कैवेंजर्स है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर में हार्वीवोर्स हेटरोट्रॉफ, सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स ये हो गया, उसके बाद हेटरोट्रॉफ इधर हो गया, हार्वीवोर्स इधर हो गया, ओमनीवोर्स हो गया, स्कैवेंजर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर। क्या आता है डिकम्पोजर आता है, ये क्या होगा जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखे, ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन थ्रू नेकेड आई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ये सब क्या करेगा, ये क्या करेगा एक्ट ऑन और फीड करेगा ऑन डेड बॉडी और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये उस पर फीड करेगा। ठीक है, और क्या करेगा उस पर, उसको खाएगा तो क्या करेगा उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है उसको वो मिक्स कर देगा सॉइल में, इतना फीड करेगा कि न्यूट्रिएंट को वो सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रिएंट्स में और सॉइल वापस मिक्स कर देगा। ठीक है, क्या होगा एंड मिक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम इनटू द सॉइल एंड दज हेल्प इन मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। इस तरह क्या करेगा हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में। देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा ये पूरा किसके बारे में लिखा है डिकम्पोजर के बारे में लिखा है, ये देख लो। ठीक है, ये क्या करता है जो एनिमल मर गया उसका जो बच गया रिमेन्स उस पर एक्ट करेगा, उस पर फीड करेगा, उसके जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको उसको वापस सॉइल में डाल देगा। मतलब क्या हुआ सॉइल से प्लांट लिया न्यूट्रिएंट, समझना अच्छे से बात, सॉइल से प्लांट लिया न्यूट्रिएंट लिया, प्लांट को एनिमल खाया हार्वीवोर खाया। ठीक है, तो क्या हुआ वो चला गया एनिमल के अंदर में। ठीक है, कुछ कुछ कार्निवोर्स अगर कुछ नहीं मिला तो प्लांट कभी खाएगा ही नहीं, इतना जान लो, हार्वीवोर ओमनीवोर हम लोग का बात हो रहा है। ठीक है, तो वो प्लांट से न्यूट्रिएंट लोगों को मिल गया,
अब सॉयल से न्यूट्रिएंट मिल गया, एनिमल में चला गया, अब वो मरा तो डिकम्पोजर क्या किया, उसके उसी न्यूट्रिएंट को वापस सॉयल में डाल दिया। इसलिए क्या कह सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प किया। जहाँ से चला न्यूट्रिएंट वापस वहीं पे आ गया, वहीं पे जहाँ से चला न्यूट्रिएंट वापस वहीं पे आ गया। चला अगर सॉयल से तो वापस सॉयल में ही आ गया। प्लांट लिया सॉयल से, फिर एनिमल में गया और डिकम्पोजर क्या किया, उसको एक्टिव वापस सॉयल में डाल दिया। ऐसे क्या होगा, ये आपका बैलेंस भी हो गया आपका न्यूट्रिएंट को, इसी में आ गया बैलेंसिंग द न्यूट्रिएंट इन द नेचर। तो इसको अच्छे से समझ के पहले नोट करो। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फूड चैन एंड फूड वेव के बारे में जानेंगे। फूड चैन मतलब क्या होता है, कि कैसे कोई एनिमल ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे कि देख लो, इसी अगर मैं बात कर लूँगा ग्रास लैंड का, अगर सिंपल बात करता हूँ ग्रास लैंड का, जो घास वाला इलाका है वहाँ का फूड चैन का, तो ग्रास को खाएगा डियर और डियर को खाएगा लायन। बात मैं कर रहा हूँ किसका, अभी फूड चैन का बात कर रहा हूँ, फूड वेव का बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ फूड चैन का। तो ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन, क्लियर है। उसके बाद अगर पॉन्ड का बात करें तो पॉन्ड में क्या होगा, एलगाई को खाता है कौन, स्मॉल फिश, और इसको कौन खाएगा, लार्ज फिश खाएगा। ये हो गया सिंपल सा आपका फूड चैन। ऐसे तो बहुत होता है, देख लो ऐसे ऐसे भी होता है ना, ग्रास है उसको खाया कौन, ग्रास हॉपर, इसको कौन खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक, और स्नेक को कौन खाया, ईगल। ये आपका जनरल क्या है, फूड चैन, मतलब कैसे कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिपेंड करता है एनिमल पे, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपके एनिमल पे, उसको यहाँ पे बात आपका हो रहा है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, क्या शो करता है, फूड चैन शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इन्वायरमेंट, दिख रहा है ना, क्या शो करता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट में, दिख रहा है ना। यहाँ पे ग्रास ऊपर किस पे डिपेंड है, ग्रास पे, फ्रॉग किस पे डिपेंड है, ग्रास ऊपर पे, स्नेक किस पे डिपेंड है, फ्रॉग पे, और ईगल किस पे डिपेंड है, स्नेक पे। ये हो गया फूड चैन, और ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रास लैंड का फूड चैन हो गया और अलगे का, ये पॉन्ड का फूड चैन हो गया। ये हो गया फूड चैन। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, फूड वेव दिखाता हूँ। फूड वेव में देखो क्या होगा, यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे ह्यूमन है, हम लोग हैं, ये आपका ग्रेन हो गया, यहाँ पे आपका हेन हो गया, यहाँ पे आपका कैट हो गया, फिर आपका यहाँ पे वॉल्फ है कोई, फिर आपका यहाँ पे क्या है, पिकॉक है, स्नेक है, यहाँ पे रैट है, फिर यहाँ पे सर क्या बना रहे हो, ये मान लो ईगल है, उसके बाद यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास हॉपर है, यहाँ पे फ्रॉग है, और यहाँ पे कोई आपका वर्ड, कोई एक सिंपल सा स्पैरो बोल दो या वर्ड बोल दो, स्पैरो, ठीक है। गौर से देखना क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ग्रेन को खाएगा ह्यूमन, ग्रेन को खाएगा हेन, देख लो। अब जो मैं एरो इस तरफ दे रहा हूँ ना, ये खाने का है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, उसके बाद हेन को भी खा लेगा ह्यूमन, ठीक है। रैट भी क्या करेगा, ग्रेन को खाएगा, और रैट को कौन खाएगा, कैट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ग्रास होपर खाएगा ग्रास को, ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग, स्पैरो भी क्या करेगा, ग्रास होपर को खा जाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल भी और पीकॉक भी, ठीक है। उसके बाद पीकॉक को खाएगा वॉल्फ भी, ठीक है। ये आपका इस तरह का फूड चेन हो गया, ठीक है।
तो यहां पे देखो फूड चेन नहीं बोलो, यहां पे बहुत सारा क्या हुआ आपका वेव टाइप का बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे फूड वेव बोलेंगे। देखो ग्रेन को ह्यूमन भी खा रहा है, हेन भी खा रहा है, हेन को हम लोग खा गए ठीक है, रैट ग्रेन को खा रहा है, रैट को कैट खा गई, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा रहा है, स्पैरो भी खा रहा है। देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे एरो ऐसा दे दो क्योंकि ये खा रहा है ग्रास ऊपर को स्पैरो, दिख रहा है ना। उसके बाद फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है, और पिकॉक भी खा रहा है, पिकॉक को वॉल्फ भी खा रहा है ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया फूड वेव हो गया, इसको क्या बोलेंगे फूड वेव बोलेंगे ठीक है। ये आपका फूड वेव क्या दिखाता है, ये दिखाता है क्या कि हाउ मेनी हाउ एनिमल्स आर इंटर कनेक्टेड बाय डिफरेंट पाथ्स, कैसे एनिमल इंटर कनेक्टेड है अलग अलग पाथ से, दिख रहा है ना। ये क्या दिखाएगा फूड वेव दिखाएगा। तो ये हो गया फूड चेन और ये हो गया फूड वेव। अब इसमें देखो एक बार कि एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, फूड चेन का बात कर रहे हैं हम, ये फूड चेन का बात कर रहे हैं ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे एनर्जी का फ्लो इन अ फूड चेन, यहां पे एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। मैंने आपको फूड चेन बता दिया, फूड वेव बता दिया, अब जानेंगे कैसे एनर्जी फ्लो होगा फूड चेन में। सबसे पहले क्या जानते हैं, सन क्या है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन से एनर्जी जाएगा किसके पास प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्ट एनर्जी जाएगा ठीक है। प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगा किसके पास, प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया जी प्लांट, क्यों क्योंकि प्लांट यूज करता है सनलाइट को फूड बनाने में प्रिपेयर करने में। तो पहला एनर्जी कहाँ गया प्रोड्यूसर के पास गया, उसके बाद प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ पे जाएगा जो डायरेक्ट प्लांट को खाएगा मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा ठीक है। इसको उसके बाद कहाँ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा कहाँ पे आपका डिकम्पोजर के पास। क्लियर है एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, पहले सन से मिला किसको, सन क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन क्या है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी इसको लिख रहा हूँ। वहाँ से मिला प्रोड्यूसर को, वहाँ से मिला प्राइमरी कंज्यूमर को, वहाँ से मिला सेकेंडरी कंज्यूमर को, और वहाँ से मिला डिकम्पोजर को। इस तरह का एनर्जी फ्लो होगा। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या हो गया हार्वीवोर कार्निवोर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको याद रखना। ये हो गया आपका एनर्जी फ्लो कहाँ पे फूड चैन में ठीक है। उसके बाद एक चीज जान लो कि बैलेंस कैसे करता है कोई नेचर को। मान लो कि पिकॉक सारा हट जाए या पिकॉक का संख्या हट नहीं जाए, पिकॉक का संख्या क्या हो जाए बढ़ जाए, तो क्या होगा स्नेक सारा हट जाएगा। स्नेक जब सारा हट जाएगा तो फ्रॉग का संख्या क्या होगा, स्नेक जब पिकॉक हट गया तो स्नेक क्या होगा बढ़ जाएगा, स्नेक के बढ़ने के बाद क्या होगा फ्रॉग क्या होगा। गौर से सुनना बात को, बैलेंस दिखा रहे हैं नेचर में कैसे बैलेंस होता है, कैसे आपका बैलेंस होगा नेचर में वो आपको बता रहे हैं, बैलेंस इन नेचर ठीक है। तो यहां देखो पिकॉक मान लो क्या हुआ हट गया, सबको सब वॉल्फ खा गया, तो स्नेक क्या होगा बहुत ज्यादा क्या होगा हो जाएगा, स्नेक जब बहुत ज्यादा हो जाएगा सारा फ्रॉग को खा जाएगा, फ्रॉग नहीं रहेगा तो क्या होगा ग्रास ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ग्रास ऊपर बढ़ जाएगा तो क्या होगा सारा ग्रास को वो ग्रेन को वो ग्रास को खा लेगा और हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग को फूड कहाँ से मिलेगा। इसलिए क्या करता है बैलेंस करता है नेचर, टू किल टू बी किल्ड, मरने से मारने तक, टू ग्रो टू डाई, जिंदा से मौत तक, बढ़ने से लेके मौत तक, सब कुछ डिसाइड करता है नेचर, ऐसा नेचर होने देगा नहीं, सब में बैलेंस बना के रखेगा। अगर पिकॉक है उतना तो स्नेक भी होगा, सब कुछ होगा ठीक है। तो यहां समझ के अच्छे से इसको नोट करो। अब जानेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कैसे हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। पता है ना आपको फॉरेस्ट कितना यूजफुल है, हम तो क्या क्या देता है पढ़े ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, प्रिवेंट फ्लड, मेंटेन वाटर टेबल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सप्लाई ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, सब पढ़े। सो कैसे कंजर्व करेंगे, पहला क्या है आपका प्लांट हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्ट मतलब क्या होता है कट करना। आप क्या करते हो कि अपने जरूरत के लिए जहां तहां से पेड़ से लकड़ी काट लिए, उससे क्या होगा फॉरेस्ट डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है। डिप्लीशन फॉरेस्ट में होना
स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाता है, डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि प्लान करके करना है, मतलब जो जिसका आपको जितना रिक्वायरमेंट है एक पार्टिकुलर क्या करेंगे एरिया को हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और वहीं से क्या करेंगे कट करेंगे, कट डाउन ट्री, ठीक है। वहाँ से ट्री काटेंगे तो क्या होगा, पूरा जंगल का ट्री प्रभावित नहीं होगा, पूरा वो जंगल का ट्री खत्म नहीं होगा और आपका आराम से काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट हार्वेस्टिंग है। दूसरा क्या है, एफॉरेस्टेशन। एक चीज इसके पहले जान लो क्या, डिफॉरेस्टेशन पहले क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। जितना ट्री को काट लिए अपने काम के लिए उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होगा, जैसे उसका उल्टा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, आपको ट्री को प्लांट करना है। तो आजकल तो क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना पेड़ काटो नहीं उससे ज़्यादा पेड़ आपको उगाना है, प्लांट करना है, ठीक है। और कुछ आपका प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहा है, वो अपना कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए एफॉरेस्टेशन कर रहा है, वो अपना कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए क्या कर रहा है, एफॉरेस्टेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो अपना एक एरिया में प्लांटेशन कर दिया, उसको जरूरत जैसा पड़ा वुड का, कुछ किसी चीज़ का प्लांट का, फ्रूट का, वो क्या किया वहाँ से तोड़ा और यूज कर लिया। मतलब जो जंगल का पहले से पेड़ पौधा था उसको अफेक्टेड नहीं होगा, ये क्या हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, आप देखोगे कि आपका जो कैटल होता है, आप जो कैटल होता है, कैटल लाइक सिप गोट, ये सब क्या होगा, उसको आप जंगल में छोड़ देते हो खुला खाना के लिए, ओवर ग्रेजिंग करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, ओवर ग्रेजिंग। वो क्या करेगा, जितना भी वहाँ का पेड़ पौधा है सबको खा जाएगा और आपका फॉरेस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको ओवर ग्रेजिंग पे रोक लगाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। चौथा क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम इंसेक्ट्स और पेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि फसल कौन खाएगा, पेस्ट खा जाता है। आप सुने होंगे टिड्डी का आक्रमण हुआ, टिड्डी का अटैक हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बड़ा बड़ा फसल खा जाएगा, पेड़ पौधा खा जाएगा, तो आपको उससे पेस्ट करना है। पेड़ को इंसेक्ट खोखला कर देता है, उसके बाल कपड़ी में घुस जाएगा, उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देगा, तो आपको उससे प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करोगे, आप यूज करोगे क्या, इंसेक्टिसाइड यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, ठीक है। और सबसे बड़ा उसके प्रेडेटर को, मतलब उसके एनिमी को, इंसेक्ट को वहाँ पे रख दोगे, ठीक है, वहाँ पे आप रख दोगे जहाँ पे इंसेक्ट है, क्या करेगा, सारा इंसेक्ट को एक साथ खा लेगा। हम लोग के घर में देखते हो कौन सा, छिपकली, जैसे ही आता है बहुत सारा कीड़ा, हम लोग सोचते हैं कीड़ा हट जाए, तो दीवार पे कीड़ा बैठेगा, उसको छिपकली अप अप करके खाना स्टार्ट कर देता है। तो जहाँ पे इंसेक्ट है, पेस्ट है, उसके प्रेडेटर मतलब क्या होता है, उसके एनिमी को वहाँ रख दो, वो लार्ज नंबर में इंसेक्ट को वहाँ से हटा देगा। इस तरह क्या होगा, आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या है आपका, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। सुने हो ना, जंगल में आग लगेगा तो पूरा फैल जाता है, क्यों फैलता है, क्योंकि आपका एक पैर, एक पेड़, सारा पेड़ अगल बगल होता है, एक में लगेगा पूरा फैल जाएगा, उससे क्या होगा, जंगल तबाह हो जाएगा, तो आपको उससे प्रोटेक्ट करना है। तो इसका काउज क्या होगा, फायर का क्या होगा, हमारा एक्टिविटी, मेरा, हम लोग का केयरलेसनेस, हम लोग जा रहे हैं कोई स्टोन को रब करके देख रहे हैं आग आता है कि नहीं आता है, तो क्या होगा, उसमें आग लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन पहला काउज है, ठीक है। दूसरा काउज क्या है आपका, लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग मतलब क्या, जब बिजली चमकेगा तो क्या होगा, ब्रांचेस पे बिजली गिरेगा और वहां पे आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब काउज हो गया, ठीक है। उसका प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, आप क्या करो, स्प्रे करो, एक्सटिंग्यूश करो वाटर को हेलीकॉप्टर से, या ज्यादा आग जैसा आग लगा है उसके हिसाब से पानी को वो आपको स्प्रे करना है, ठीक है। स्प्रे द वाटर, ठीक है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, आपका जिस डायरेक्शन में फायर लगा है उसके विंड को अपोजिट कर दो, बाय यूजिंग स्ट्रांग विंड ब्लोअर, बाय यूजिंग स्ट्रांग विंड, स्ट्रांग विंड ब्लोअर का हेल्प करके आप उसके डायरेक्शन ऑफ विंड को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ विंड,
जिस तरफ लगा है उसके विंड को रिवर्स करो डायरेक्शन को, उस तरह क्या होगा आपका फॉरिव, ये क्या होगा प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउज में एक चीज और जान लो क्या होता है, फ्रिक्शन होगा आपके ड्राई स्टीम और ब्रांचेस के बीच में, मतलब फ्रिक्शन क्या होता है हीट जनरेट होगा, जो सूखा स्टीम है ब्रांचेस दोनों के बीच को अगर फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा, उससे भी क्या होगा आग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिख देते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई स्टीम एंड ब्रांचेस, इससे भी आग लगेगा। दो पत्थर को रगड़ोगे क्या होगा हीट जनरेट होगा, फ्रिक्शन उसको बोलते हैं जो हीट जनरेट करता है और आपको आग लग जाएगा। तो ये सारा हो गया क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन का कैसे क्या होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये हो गया फिनिश, इसको अच्छे से समझ के पूरा वीडियो लेक्चर का नोट्स बनाइएगा, वो आगे आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग वीडियो को अपना बाइंड अप करते हैं।